उसकी मेमोरीज के वाले से. अच्छा ये नरमीन, बेनजीर और उस्मान जब ये छोटे थे, ये बचपन सारे सबके ही होते. कोई भी बचपन की तस्वीर दिखा देना, सबको ये लग रहा होता है कि अच्छा ये सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर. कब की नरमीन ये? ये आई थिंक घर पे एक फंक्शन था किसी के लिए. ये वैसे लग रहा है जैसे कोई ईद वगैरह के पास की कोई पिक्चर हो. ये बेनजीर हैं, नजीर हैं. और बेनजीर क्या कर रही हैं आजकल? अभी तो शी इज इन यूएस, लाइक मजे कर रही हैं. अभी छुट्टियाँ हैं, ओलेवल करेगी उस टाइम माशाल्लाह से. ये तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की पिक्चर लग रही है मुझे जी. ये मामा के बगैर ट्रैवल कर रहे थे. ओह अच्छा, उसमें तो फिर ज़्यादा आप इन्जॉय किया होगा. अब्बा ने सब चीज़ें मानी होंगी. हाँ उसमें बहुत इन्जॉय किया था. ये कब की पिक्चर है? आई थिंक बेनजीर की बर्थडे की है. अच्छा मुझे नरमीन ये बताना, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है लोगों को लग रहा था कि इकलौता बेटा है तो वो उस पे बड़ी ज़्यादा नरमी बरती जा रही होगी, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो केस बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, क्योंकि उसको सही सुधार के रखना होता है और बेटियों को तो हमेशा लोग प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं. बेसिकली उल्टा हुआ है, पहले बहुत बिगाड़ है, बहुत बिगाड़ है. अब लाइक लास्ट ईयर से अब कह रहे हैं कि सुधारना चाहिए अब इसे, बिकॉज टीचर्स मुझे ब्लेम करते हैं, बिकॉज आई एम द ओल्डेस्ट वन. तो सब कहते हैं यू आर द वन, तुमने बिगाड़ा, क्योंकि उसका बैकपैक भी मैं करती हूँ, उसकी लाइक यूनिफॉर्म मम्मा निकाल के रखती हैं रात को, उसका हर चीज़ हम लोग, हर एक चीज़ सुबह उठाते भी हम लोग उससे, नहीं पूरा घर उठता है उससे सुबह स्कूल उठाने के लिए. एंड ही इज इन ग्रेड 9 नाउ. फिर भी वो छोटा है ना. अब नहीं, अब उसने बाबा से प्रॉमिस किया नेक्स्ट ईयर मतलब ग्रेड 9 में अच्छा रिजल्ट ले आऊंगा. अब हम लोग उसके सब्जेक्ट्स कह रहे हैं कि आर्ट्स ले लो, आर्ट्स बहुत अच्छा है, कर लोगे आर्ट्स. बट देन ही इज लाइक क्या कहता है, बायो लूंगा. बायो में बहुत रटा, यू कांट डू बायो. बहुत टैलेंटेड है, ही इज वेरी टैलेंटेड. वो मैथमेटिक्स में एक्सेप्शनली गुड है. स्केच कोई किसी ने नहीं सिखाया, मोबाइल फोन उठाएगा कोई चीज़ स्केच बनाना शुरू कर देगा, बड़े जबरदस्त बना देता है. उसका पेज भी है. तो मुझे बताएं सही थे, आप सपोर्ट करेंगे जैसे माशा दोनों बच्चियाँ आपकी, वो उनके पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी है और बेनजीर तो जैसे आप बता रहे हैं कि वो नरमीन से भी कुछ हाथ आगे है. अगर कल कला उस्मान ये कहेगा कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना और मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं पेंटर बनता, आप उसको सपोर्ट करेंगे? मैंने तो उसको कहा कि तुम अच्छे हो आर्ट्स में, तुम कोई इसकी क्लासेस ले लो ताकि और अपना अच्छा हो जाओगे. उसको और करें मुझे ये बताएं, क्योंकि देखिए जो लाइफ है स्पेसिफिकली जो सईद भाई की जो लाइफ है, जिस तरीके से हम उनको देखते हैं कि दिन में सारा वक्त हम उनको भी टीवी पे देख रहे होते हैं और कोर्ट पार्टी की मसरूफियात होती हैं, सो कितना एक बाबा जो है वो कोशिश करते हैं. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप लोगों को टाइम दे सके. ऑफ कोर्स आप लोग भी घर में कहते हैं कि बाबा फ़ोन साइड पे रख दें. हाँ वो तो मतलब जब हम लोग फैमिली डिनर्स पे होते हैं तब भी फ़ोन होता है. मुझे अभी तक याद है हम लोग US में थे, वी वर लाइक ऑन बीच, वहाँ पे हम लोग बीच पे थे तो बाबा ने वहाँ पे बैठ के गाड़ी में इंटरव्यू दिया, किसी की डेथ हो गई थी यहाँ पे, तो आई थिंक वसीम बादाम को इंटरव्यू दे रहे थे और हम लोग बाहर इंजॉय कर रहे थे, बाबा गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं. और लाइक अभी जब मामा गई तब से लाइक मुझे और उस्मान को थोड़ा टाइम, रात को चले निकले हैं लाइक आइसक्रीम खाने गए, अब हो गया थोड़ा और अब तो लाइक थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं पहले से घर से, लेकिन फ़ोन तो वही है, लगे रहते हैं फ़ोन पे. तो अच्छा और आप लोग जब बाहर एसी पे खुश हैं कि मैं आइसक्रीम के लिए नहीं जाता ये थोड़ा हो जाता है. वैसे सही था, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आपकी भी शादी हुई तो उसके बाद फिर जब बच्चे भी हुए तो वो टाइम ऐसा था कि आप पॉलिटिकली एक्टिव भी बहुत ज़्यादा थे, तो आपने कहीं ना कहीं अभी आगे जाके अब आपको फील होता है कि ओ भाई अब बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, वो टाइम मुझे लगता है मैंने बच्चों के साथ ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया, कभी दिल में आता है? नहीं है, फैक्ट है. देखें मैं हमेशा लोगों को एक बात कहता हूँ कि दिन में तो 24 घंटे के होते हैं ना, 25 नहीं कर सकते. अगर आपने 24 घंटे में से कोई टाइम एक्स्ट्रा निकालना है, खाने का टाइम आप नहीं छोड़ सकते, सोने का टाइम आप नहीं छोड़ सकते, बाकी नमाज वमाज पढ़ने का टाइम आप नहीं छोड़ सकते, तो जो टाइम फैमिली का बचता है वही टाइम होता है जिसमें से आप एक दो घंटे एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं स्पेंड करने के लिए, तो सफ़र तो अल्टीमेटली फैमिली कर रही होती है. तो उसका फिर ये निकालता हूँ कि साल में एक आध दफ़ा कहीं उनके साथ बाहर चला जाता हूँ. अभी भी जो बाहर गए हैं वो हुआ इस तरह है कि ये जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है ये कुछ 14 महीने चला है. जी 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 काफी. तो मैंने 3-4 महीने पहले कहा कि मुझे छुट्टी दे दें 2 वीक्स, मैं जा रहा हूँ बच्चों के साथ. उससे पहले भी अकेले गए, मैं साथ नहीं गया. अच्छा ये हम जैसे हमारी नौकरी होती है ना, हमें छुट्टी नहीं मिलती, यहाँ पे इनके साथ भी होता है, हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ती है, ज़्यादा मुश्किल होती है. तो मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी मांगी तो मुझे कहा नहीं, जब तक मेयर का इलेक्शन नहीं होता बाहर नहीं रहते हो. तो ये बच्चे बेचारे इंतजार कर करके कर करके, तो मैंने कहा तुम चले जाओ मैं पीछे आ जाऊँगा. तो वो बच्चे मेरे चले गए थे तो मैंने, अच्छा उनको भी टाइम 2-3 महीने इसलिए हो गया कि मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, अभी आने के चक्कर में वो 2 महीने 2.5 महीने उनको वहाँ लगा लिए.
तो अब फाइनली छुट्टी मिल गई, फाइनली छुट्टी मिल गई है। आज मेयर का ओथ हो जाएगा, कल मैं चला जाऊंगा छुट्टी पे, फाइनली जा रहे कल फाइनली। कितनी खुश है नरमीन। अच्छा मैं ये आपसे सबसे मेरा सवाल है, क्योंकि देखें फातिमा जो है इसे पब्लिक फिगर, फातिमा इतनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं, मतलब अंकल ने भी 2-3 प्रोजेक्ट किए, अंकल को आप बिल्कुल हल्का न लें, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में हम फिल्मों में अंकल को देखेंगे अमीर बाप का किरदार करते हुए, जो कह के नहीं तुम्हारी से शादी नहीं हो सकती वो वाले। अंकल परफेक्ट लगते हैं फिल्म, आप बनाएंगे फिल्म बिल्कुल अंकल बना लोगे, मुझे स्पॉन्सर्स की अच्छा ज़रूरत है। मैं बिल्कुल अंकल, अंकल आप वैसे वाकई बड़े प्यारे हैं, हम फातिमा को प्यारे कहते थे, अब पता चला कि फातिमा इतनी प्यारी क्यों है। सो अंकल आप लोग जब कभी किसी जगह पर जाते हैं, बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, फिर ऑफकोर्स लोग पहचानते हैं, आके पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, तो कहीं फिर ऐसा हुआ कि नहीं भाई ये तो हमारा अपना फैमिली टाइम है, कहीं आप कोई से कोई एक ऐसा बंदा जो बुरा बनाता हो? फातिमा के साथ इतना आउटिंग मेरे अम्मी अबू बस घर बिठा दो, उन लोगों को बाहर जाने का बिल्कुल शौक नहीं। अम्मी अबू मतलब हम लोग लिटरली बैग करके बाहर लेके जाते हैं, अम्मी को फिर भी लेकिन कम है, लाइक अम्मी को एक बार हम लोग मूवी भी दिखाने ले गए, कहीं नहीं बस मुझे घर पे। इवन मेरी बहन जो दुबई में होती है, उसकी जब बेटा होने वाला था तो अम्मी गई और अम्मी ने उसको इतना बोला मुझे क्यों बुला लिया, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, लाइक अम्मी अबू अंकल को साथ ले रही थी ना, तो बिल्कुल आंटी शिकायत नहीं करती। अंकल आप साथ गए थे? नहीं मैंने गए थे, वो एंजॉय कर रहे थे घर पे, एक बंदे को तो घर संभालना है देखने। अबू घर की बहुत टेंशन होती है। अच्छा अंकल आप वैसे फातिमा के काम को जब देखते हो तो आप क्रिटिसाइज करते हैं कि फातिमा ये तुमने अच्छा किरदार नहीं किया, ये तुमने अच्छी एक्टिंग नहीं की? ऐसा कभी क्रिटिसाइज तो नहीं किया, मतलब काम तो सही कर रही है। अबू मेरा काम देख के बस ये पूछते हैं इसका नाम क्या है, इस एक्टर का नाम क्या है, इस एक्टर का नाम क्या है, और दूसरों का भी काम जब देखते हैं तो अगली दफा फिर आती हूँ फिर उसी का नाम पूछते हुए कहते हैं अबू आपको नाम याद नहीं रहेगा। छेड़ने के लिए करता हूँ वैसे ये छेड़ा छाड़ी तो उधर रिश्ते को और ज़रा खूबसूरत बना देती है। आप लोग तंग पड़ते हैं जब आप लोग कभी मौका मिले और आप लोग बाहर खाना खाने के लिए निकली हूँ और फिर वहाँ पे लोग आ जाए जी मैं पिक्चर्स खिंचवानी है? नहीं होते हैं पर अब मतलब आते हैं तो क्या करें, कुछ मना नहीं कर सकते उनको, इतना तंग नहीं होते लेकिन टू सम एक्सटेंट हो जाते हैं। बट बाबा के साथ इतना जाते भी नहीं है डिनर पे हम लोग, बाबा पर बस घर का खाना, घर पे मतलब बाहर का बाबा इतना खाते ही नहीं। अच्छा कभी सईद ने भी घर में कुछ खाना पकाया है वैसे? नहीं हम लोग जब बाहर ट्रैवल करते हैं तो नाश्ता सुबह बाबा लाइक बाबा चाय बना देते हैं हम लोगों को, नाश्ता चाय अच्छी बनाते हैं मतलब सईद ने चाय एक चीज कभी चाय नहीं बनाई आप लोग? बनाई बहुत कम, बहुत कम अंडा उबालूंगा शायद बाकी दो। जब दुबई में जाते दुबई वगैरह जाते हैं तो जैसे हम लोग अपार्टमेंट वगैरह लेते हैं वहाँ पे बाबा बनाते हैं, क्योंकि मम्मा सुबह नहीं उठ सकती, वो चाय और अंडे, फिर चाय और अंडे नहीं नहीं चाय टोस्ट और जैम। अच्छा टोस्ट भी और जैम बनाते नहीं है ये बाहर से ये तो मुझे मालूम है उसको सिर्फ सेकना ही होता है। आप कुछ बना लेते हैं? ये देखे उस वक्त से अपनी बच्ची की फोटोग्राफी कर रहे हैं और ये फुल मैं आपको बता रही हूँ इस बच्ची के अंदर बहुत बड़ी हीरोइन है, उस वक्त से फड़क रही है ओ माई गॉड फौरन ही मुझे भी पोस्ट करके ये। अच्छा उस वक्त ये एक्टिव हुई हुई है, सुबह उठी तो जरा खामोश थी अंदर बोलने लगी। तो आप मुझे बताएं जब आप लोग ऐसे कि जब बाहर निकलते हैं और क्योंकि ये तो माशाल्लाह से पटाखा है और फिर लोग आते हैं पिक्चर्स वगैरह खिंचवाने के लिए, ये छोटी वाली तंग पड़ती है या फिर उनको होता है कि नहीं एक्सक्यूज मी हमारे साथ तस्वीर खिंचवाएं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब इवन हमें भी आदत हो गई है, नॉर्मल लाइफ में ये कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती कि कोई कह रहा है पिक्चर खिंचवानी है, तो नॉर्मल लाइफ का हिस्सा बन गया, ना डिस्टर्ब करता है ना अच्छे लगता है कोई अगर आपको इज्जत दे रहा है। बच्चों का ये है कि ये मूडी है, बहुत ज़्यादा मूडी है, और इवन जब ये शूट कर रही थी ना पहला कमर्शियल तो ये कह रही है मैं सिर्फ एक दफ़ा ही टेक दूंगी उसके बाद मैं नहीं बोलूंगी। आपने कहा ये तो मैंने कभी नहीं बोला था, परेशान उसके बाद कहती मैंने इनके साथ काम नहीं करना, तो मैंने कहा भाई मैंने इतने नखरे मैंने जिंदगी में कभी नहीं किए, तुम्हारा पहला कमर्शियल और तुम तो... आपने और मामा में क्या फिर भी नहीं किया फिर अच्छा माइक 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 पे बोलो क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? फिर आपने और मामा में भी किया फिर मैंने नहीं किया, फिर कमर्शियल खत्म, फिर मैं उनके साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, मैं पर्दे के पीछे छुप गई थी छूट पे जाके बेसिकली जिनके साथ जो उनके फादर बने थे ना उनके साथ इसने कहा कि मैं शॉट नहीं दूंगी एक दफा दूंगी। अब वो लेदर लेदर टेक होते मास्टर सोलो ओटी वो 10 एंगल से शूट करना था, वो इंडियन डायरेक्टर थे,
अब उनके बाद बोल दिया मैंने नहीं काम करना, अब क्या करें, अब काम तो करना है, तो फिर मैंने उनकी शर्ट पहनी है, इनकी मदर ने उनकी शर्ट पहनी है, तो फिर जाके हम लोगों ने अपना ओटी शॉर्ट दिया है, तब जाके इसने शॉर्ट्स दिए, वरना तो ये नहीं दे रही थी, कहती मैंने काम ही नहीं करना इनके, मैंने काम ही नहीं करना, एटीट्यूड, फुल एटीट्यूड, फुल एटीट्यूड। अच्छा, क्योंकि अब हम शो के काम की तरफ जा रहे हैं, तो नरमीन आपसे मैं जानना चाहूँगी, कोई ऐसी बात जो कि फादर्स डे के मौके पर आप सईद भाई से अपने फादर से करना चाहें, और मैं कहती बिल्कुल अनफिल्टर्ड। आई जस्ट वांट हिम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग ही डज, लाइक मतलब कभी मना नहीं किया किसी चीज़ से, लाइक ही से गो फॉर इट, करो जो करना है, बट आई जस्ट लव हिम। तो अच्छा, कभी ऐसा कि कभी खुशी से रो पड़े हो, कभी सईद भाई ऐसे बच्चों की आपने कोई चीज़ देखी हो जो बच्चे अचीवमेंट्स होते तो आप रो पड़े? नहीं, होता है। देखिए, मेरे साथ एक जो जिस चीज़ को मैं हमेशा मिस करता हूँ ना, मैंने अपने वालिद की खिदमत देखी, सो एनीथिंग, अगर आपको लगता है कि आपके फादर होते और आज होते तो कोई चीज़, बिकॉज ही इज अप देयर एंड इज लिसनिंग, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप उनसे कहना चाहेंगे? शायद खुश होगी मुझे देख के। बहुत क्लोज था मैं कभी कभी सोचता था कि अगर इनको कुछ हो गया तो मैं जीऊंगा कैसे, और फिर जिए भी हैं और चल भी रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि मैं उनको घर पे जिंदा छोड़ गया, और जब वापस आया तो डेथ थे वो। अल्लाह पाक जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, स्पेशली वो जिनके जिनके फादर्स नहीं है, दिस फादर्स डे इज फॉर यू, दिस इज फॉर एवरीवन, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं। फातिमा, कोई ऐसी चीज़ जो आप कभी अंकल को ना कह पाए, बल्कि मैं चाहूँगी अंकल फादर्स डे के मौके पे आप ऐसी चीज़ अपनी बच्चियों को कभी ना कह पाए हो? समझ नहीं आई। अब्बू ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है और ना मैं हूँ, लेकिन मैं अब्बू को बताना चाहती हूँ कि लाइक हम लोग अम्मी से बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, और अब्बू लाइक बोलते नहीं है लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में ऐसी केयर शो करते हैं और इतना कंसर्न।